हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आगे भी अच्छे ही रहना। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं पोको M6 Pro 5G का 6 मंथ यूज़ रिव्यू देने वाला हूं। आप लोगों ने इसका 1 मंथ 7 डेज या फिर 3 मंथ का यूज़ रिव्यू देखा होगा, बट इस वीडियो के अंदर मैं लिटरली 6 मंथ यूज़ रिव्यू देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। अगर आप इस फ़ोन को बाय करने की सोच रहे हो या फिर बाय कर चुके हो, तो 6 मंथ में ये कैसा रहता है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती है, वो सारा चीज़ का इसमें मतलब पूरा डिटेल से वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज गाइस हमारा चैनल बहुत ही डाउन चल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो गाइस, इस फ़ोन का कुछ बेसिक डिटेल है जो कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, तो आप इसको पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। एंड आइए अब इसके कुछ खूबी की एंड कुछ इसके कमी की बात करते हैं। तो गाइस, मुझे 6 मंथ के अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम आया, चलिए उसमें बात कर लेता हूँ। एंड क्या क्या मुझे इसका अच्छा लगा है अभी तक, तो चलिए वो सारे चीज़ें इसमें बता देता हूँ। तो सबसे पहले गाइस, तो इसका परफॉर्मेंस को लेकर के, अगर आप इसमें कोई हैवी गेम वगैरह खेलते हो, ठीक है, जैसे BGMI वगैरह, फ्री फायर वगैरह हो गया, इसके अगर आप हाइयर मैक्सिमम सेटिंग पे खेलोगे, तो ये मतलब अगर आप 3-4-5 घंटा, मतलब अगर ज़्यादा गेम खेलोगे 3-4 घंटे से, तो ये फ़ोन हीट हो जाता है, ठीक है। हीट होने के बाद गाइस ये सडनली अपना ब्राइटनेस डाउन कर देगा एंड इसका FPS भी डाउन हो जाता है। तो ये मुझे प्रॉब्लम इस फ़ोन के अंदर देखने को मिला, फ़ोन हीट होने के बाद इसका FPS डाउन हो जाता है। एंड अगर आपके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन या फिर किसी का कॉल भी आता है, तो भी आपका गेम का FPS डाउन होकर के आपका गेम लैग करने लगता है। एंड सेकेंड चीज़ गाइस, जो कि इस फ़ोन का मुझे अच्छा नहीं लगा और मेरे साथ प्रॉब्लम फेस करने को मिला, इसका चार्जिंग स्पीड कम से कम कंपनी वालों को 500 रुपये एक्स्ट्रा ले करके इसमें कम से कम 33 वॉट का चार्जर देना चाहिए, जिससे काफ़ी एक्सपीरियंस इन्हेंस हो जाता, फ़ोन चार्ज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी कंपनी के साथ इन बॉक्स के अंदर में 22 वॉट का चार्जर में देखने को मिलता है, सारे 22 वॉट का, बट हमारा फ़ोन 18 वॉट ही सपोर्ट करता है, तो चार्ज होने में लगभग 2 घंटा 40 मिनट के आसपास लग जाता है। तो ये काफ़ी होगा, अगर 33 वॉट रहता तो हमारा टाइम काफ़ी बच जाता। नेक्स्ट है गाइस, इसका कैमरे क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार किया जा सकता था, बट इसके बजट के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ही ठाक कैमरा क्वालिटी है, बट मुझे इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये आ रहा है। इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा दे देते तो थोड़ा सा और भी बेटर होता, एंड 50 मेगापिक्सल का जो वो प्राइमरी कैमरा है उसको थोड़ा सा और इन्हेंस किया जा सकता था। बाकी गाइस, इसमें इंटरनेट स्पीड काफ़ी फास्ट चलता है, इसमें 5G 7 बैंड का सपोर्ट दिया गया है, तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। एंड ये 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो इसका बैटरी जो है काफ़ी अच्छा चलता है, लगभग आप अगर लगातार यूज करते हो तो आपका 8-9 घंटा आराम से बैटरी जाने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ लगा इसके अंदर देखने में। काफ़ी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर दिया गया है। एंड प्रोसेसर की बात कर लेते हैं गाइस, तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है इन सेगमेंट में। बजट के हिसाब से देखो तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, जिसका अंतुतु स्कोर लगभग 4 लाख 30 हज़ार के आसपास है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इस बजट रेंज के हिसाब से, बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। एंड इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो ये थोड़ा सा भारी फील होता है आपको, ऐसे डेली यूज़ में इसे उठाओगे तो आपको आदत वैसे पड़ जाएगा, बट ये काफ़ी बड़ा और हैवी फील होता है। एंड इसका डिस्प्ले का साइज भी काफ़ी बड़ा है, एंड इसका डिस्प्ले Full HD आता है, तो आपको वीडियोज़ वगैरह देखने में काफ़ी आपको मज़ा आएगा, बट इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके अंदर HDR का कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, तो आप YouTube वगैरह पे आप 1080p से ज़्यादा आप क्वालिटी वीडियो नहीं देख पाओगे। अगर HDR का सपोर्ट देखने को मिलता है तो कम से कम 1440p हम लोग वीडियो को प्ले कर पाते हैं। एंड इसमें कमी एक और देखने को मिला, इसके अंदर जो MIUI का ऐड आ जाता है गाइस, आप किसी भी ऐप में जाते हो तो सडनली ऐड देखने को वहाँ पर मिलता है, तो ये मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया इस फ़ोन को लेकर के, ऐड आ जाता है, ठीक है, और अचानक कभी कभी इस फ़ोन का ब्राइटनेस डाउन हो जाता है। तो ये सारा आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है 6 मंथ के अंदर। और जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आता है गाइस, आपको सडनली उसे अपडेट नहीं करना है, ठीक है। MIUI या फिर पोको में गाइस जो अपडेट आता है, उसको सडनली आप जो पहला अपडेट को अपने फ़ोन में इंस्टॉल मत करना, क्योंकि पहला अपडेट में बहुत सारे बग्स आ जाते हैं, ठीक है, तो फ़ोन उसमें हैंग और लैग होने लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वेट कर लेना है, ठीक है। वेट कर लेने के बाद जो भी बग्स वगैरह आते हैं उस फ़ोन पे फिर से फिक्स करके फिर से अपडेट आ जाता है, तो आप पहला लॉट का कभी भी अपने फ़ोन को अपडेट मत करना। तो यह सारा प्रॉब्लम देखने को मिला है। पीछे आप उसके अंदर ग्लास बैक देखने को मिलता है, डिज़ाइन अच्छा है, एवरीथिंग गुड है गाइस इसका, बट
कुछ कमी भी है, कुछ खूबी भी है, तो ये सारा चीज़ है देखने को मिलता है इस फ़ोन के अंदर। तो और बाकी चीज़ अगर मैंने कुछ मुझसे रह गया तो आप वीडियो में कमेंट में बता सकते हो मुझे। एंड यही तो वीडियो, अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।